कपड़ा मार्केट के एक हस्ताहाल से परेशान मिल वालों ने फैसला किया है, उत्तर भारत की सभी स्पिनिंग मिल में हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखी जाएगी। अभी ये मिल सातों दिनों 24 घंटे चलती है। नॉर्थ इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी की है। संगठन के अध्यक्ष राजीव गर्ग ने कहा कि कुछ दिनों से मांग घटने और पर्याप्त निर्यात नहीं होने की वजह से मजबूरन हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। चीन कपड़े का बड़ा आयात करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो भी मांग कम हो गई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खतरे में है, इसे बचाने की ज़रूरत है। रोज़ होने वाले उत्पादन में कमी की जाएगी। अभी तो यही योजना है कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखी जाए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये छुट्टी दो दिन भी रखी जा सकती है। उधर पंजाब पेन एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन मोहन व्यास का कहना है कि इस क्षेत्र में आई गिरावट लंबे समय तक नहीं चलेगी। स्पिनिंग मिल वालों का यह फैसला देश भर में कपड़ा मार्केट पर असर डालेगा। कपड़ा मिलों की हालत पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी खराब है। 140 मिलें यहां बंद हो चुकी हैं और करीब 200 मिल जल्द ही बंद होने की तैयारी में है। जो मिलें चल रही है उनमें 80% की हालत जर्जर है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी है। कच्चे माल कीमतें 30% बढ़ गई है, वहां भी हालात ऐसे ही हैं। आयात करने वाले बड़े देशों ने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। भारत भी इसी परेशानी से गुजर रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।